we will talk about Marxism and the three theories within it. That is world system theory, dependency theory, and critical theory. You must be having the background of Marxism. कार्ल मार्क्स के द्वारा एक ऐसे समाज की बात कही गई थी, ऐसे राज्य की बात कही गई थी जहां दो वर्ग हैं, एक तरफ पूंजीवादी वर्ग है और दूसरी तरफ जो मजदूर वर्ग है। और पूंजीवादी वर्ग छोटा होता है, इसलिए एकजुट होता है, संगठित होता है और पूंजी के जो साधन है उस पर उसका नियंत्रण होता है। दूसरी ओर एक बड़ा ग्रुप है, लार्जर ग्रुप है, जो मजदूर वर्ग है, जिसके पास पूंजी के साधन नहीं है, उसके द्वारा पूंजी के साधनों पर उत्पादन का कार्य किया जाता है मजदूरी के माध्यम से। जो पूंजी के साधन है उन पर मजदूर के कार्य करने की वजह से एक वैल्यू उसमें जनरेट होती है, जिसका लाभ पूंजीपति को मिलता है, न कि मजदूर को। और इस तरह से एक गैप, एक खाई पूंजीवादी वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच में उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि मजदूर वर्ग प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं करता है, उसको पूंजीवादी वर्ग ऐसा नहीं करने देता है। धीरे धीरे ये जो दोनों के बीच में गैप है वो बढ़ता जाता है, एंड इट रिजल्ट्स इन क्लास स्ट्रगल, एक वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। और मार्क्स कहते हैं कि ये वर्ग संघर्ष आगे जाकर रिवॉल्यूशन में, क्रांति में परिवर्तित हो जाता है। और क्रांति के पश्चात एक नए प्रकार का समाज बनेगा जिसमें कोई भी क्लास नहीं होगा, क्लासलेस सोसाइटी, वर्गहीन समाज की स्थापना होगी, जहां प्रोलेटेरिएट का शासन होगा, सर्वहारा वर्ग का शासन होगा, आम लोगों का शासन होगा। मार्क्स ने ये विचार एक राज्य के लिए दिए थे, एक राज्य के अंदर उन्होंने व्यक्तियों के विषय में बताया था। मार्क्स के इन्हीं विचारों के आधार पर आगे जाकर कई सिद्धांत दिए गए और उन्हीं में हम वर्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी को भी देखते हैं। क्रिटिकल थ्योरी सभी थ्योरीज को एनालाइज करती है और उनमें जो कमियां हैं उनके विषय में बताती है। तो मार्क्सिज्म से जुड़ी हुई, मार्क्सिस्ट विचारधारा के आधार पर उत्पन्न हुई वर्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। इनफैक्ट वर्ड सिस्टम एनालिसिस के लिए कहा गया कि इट इज नॉट अ थ्योरी, ये एक सिद्धांत नहीं है बल्कि यह एक अप्रोच है। किस चीज का अप्रोच? टू सोशल एनालिसिस, समाज का विश्लेषण करने, समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको समझने के लिए यह एक अप्रोच कहा जा सकता है, ये एक दृष्टिकोण कहा जा सकता है, जिसके माध्यम से हम सामाजिक जो विकास है उसको समझ सकते हैं। वर्ड सिस्टम थ्योरी को देने वाले विचारकों में जो प्रमुख नाम है वो है इमैनुअल वॉलरस्टेन का। इमैनुअल वॉलरस्टेन 1930 में न्यूयॉर्क में उनका जन्म हुआ, वहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्यापन का भी कार्य किया। और 1974 में उन्होंने अपने विचारों को एक पेपर के माध्यम से प्रस्तुत किया, उसको एक सेमिनल पेपर कहा जाता है, जिसमें उन्होंने थर्ड वर्ल्ड का जो नोशन था उसको रिजेक्ट किया। थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या है? विकास के आधार पर विश्व के देशों को कुछ श्रेणियों में बांटा जाता है। जिसमें जो विकसित देश हैं वो उच्च श्रेणी में है, जिनको हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ब्लॉक जिनको कहा जाता है, जिसमें नॉर्थ साउथ डिवाइड भी हम देखते हैं राज्यों का। नॉर्थ में वो राज्य आ जाते हैं जो विकसित हैं और साउथ स्टेट्स के अंदर वो राज्य आ जाते हैं जो विकासशील हैं या अभी अविकसित हैं। उसी तरीके से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी कि जो देश अभी या तो विकास कर रहे हैं या अविकसित हैं, जैसे एशिया के देशों को प्रायः थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रखा जाता है या अफ्रीका के या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का नाम दिया जाता है। ये जो नाम दिया गया वो इन देशों में जो विकास हुआ है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसके आधार पर इनको ये नाम दिया गया। वॉलरस्टाइन इसी बात को अपने तरीके से कहते हैं वर्ड सिस्टम थ्योरी या वर्ड सिस्टम अप्रोच के तहत। वर्ड सिस्टम जो थ्योरी है वो 3 प्रकार के राज्यों की बात करती है। एक कोर स्टेट्स, दूसरे पेरिफेरल स्टेट्स, तीसरा सेमी पेरिफेरल स्टेट्स, और इसके अलावा एक्सटर्नल स्टेट्स के विषय में भी ये बताती है, जिसके विषय में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। वर्ड सिस्टम थ्योरी इज अ मैक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जो मार्क्स की एनालिसिस थी दैट वाज माइक्रो एनालिसिस, वाइल क्योंकि वहां पे यूनिट ऑफ स्टडी वाज इंडिविजुअल, वाइल इन वर्ड सिस्टम थ्योरी यूनिट ऑफ स्टडी इज नेशन स्टेट्स। So it is macro sociological perspective that seeks to explain the dynamics of the capitalist world economy as a total social system, जिसका मानना है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है विश्व की, वो ही एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। मार्क्स के सिद्धांत का आधार भी अर्थ था, उसी प्रकार वर्ड सिस्टम थ्योरी में भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आधार बन जाता है राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में रखने का, कोर, पेरिफेरल स्टेट्स एंड सेमी पेरिफेरल स्टेट्स। यह जो सिद्धांत है उसके द्वारा कुछ उस समय जो वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स थे उनको क्रिटिसाइज भी किया गया, उनको निगेट भी किया गया। जैसे इसमें यह कहा गया कि यह अज्यूम कर लेना कि देयर इज ओनली वन सिंगल पाथ ऑफ डेवलपमेंट एंड ईच एंड एवरी स्टेट हैज टू एम्ब्रेस इट, ये गलत होगा। जैसे तुम लोगों ने अभी जो रियलिज्म और नियो रियलिज्म वगैरह के बारे में पढ़ा था या एंड ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, वो इसी पर आधारित था। एंड ऑफ हिस्ट्री यही कहता है कि कम्युनिज्म का अंत हो गया और उसके पश्चात जो व्यवस्था बचती है, जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट व्यवस्था बचती है, वही एकमात्र व्यवस्था है और अगर बाकी जो विश्व के देश हैं उनको उसे ही फॉलो करना है, और अगर वो उसको फॉलो नहीं करेंगे देन देयर विल बी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। यानी डेवलपमेंट का एक ही मॉडल है, विकास का, मॉडर्नाइजेशन का एक ही मॉडल है और वो वेस्टर्न जो मॉडल है वही है, और उसको ही सभी को एम्ब्रेस कर लेना चाहिए। वर्ड सिस्टम थ्योरी को देने वाले लोग इस बात की आलोचना करते हैं, इसको निगेट करते हैं। दूसरी बात जो कही गई वो ये कि नेशन स्टेट इज द सोल यूनिट ऑफ एनालिसिस। राष्ट्र राज्य वर्ड सिस्टम थ्योरी के अंदर दे आर दी यूनिट्स ऑफ एनालिसिस। राष्ट्र राज्य इकाई के रूप में है यहाँ पर और इनका विश्लेषण करना है क्योंकि दे फॉर्म वर्ड सिस्टम। तो नॉट इंडिविजुअल बट नेशन स्टेट्स, दे आर दी सोल यूनिट ऑफ एनालिसिस इन वर्ड सिस्टम थ्योरी। इसके अलावा इस थ्योरी के द्वारा ये कहा गया कि जो वर्ल्ड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर है, इनका अध्ययन नहीं करना है. दे डिसरिगार्ड इन फैक्ट the word historical development of transnational structures that constrain local and national development. तो इनके द्वारा ये मानते हुए कि लोकल और नेशनल जो डेवलपमेंट है वो बाधित हो जाता है यदि ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर्स पर अध्ययन फोकस किया जाए, अध्ययन का केंद्र उस पर रखा जाए, इसलिए वे इसको डिसरिगार्ड करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं. तो इन कुछ तथ्यों के साथ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को इमैनुअल वॉलरस्टाइन के द्वारा दिया गया, और जैसा हम लोगों ने देखा कि उन्होंने नेशन स्टेट्स को यूनिट ऑफ एनालिसिस माना और उसी के तहत उन्होंने 4 प्रकार के राज्यों के विषय में बताया. और ये जो 4 राज्य थे वो जैसा हम लोगों ने देखा पहले भी कि कोर, पेरिफेरल, सेमी पेरिफेरल एंड एक्सटर्नल स्टेट्स, एक्सटर्नल नेशन स्टेट्स कह सकते हैं, सिस्टम्स कह सकते हैं. वॉलरस्टाइन सेड दैट ए वर्ल्ड सिस्टम इज ए मल्टीकल्चरल टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर इन विच द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ बेसिक गुड्स and raw materials is necessary for the everyday life of its inhabitants. उन्होंने क्या कहा कि वर्ल्ड सिस्टम क्या है? वर्ल्ड सिस्टम मल्टीकल्चरल टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर है. बहुसंस्कृति, क्षेत्रवादी, श्रम का विभाजन है. और उसमें क्या होता है? in which the production and exchange of basic goods and raw material is necessary. जहां पर जो बेसिक गुड्स हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं, मूलभूत वस्तुएं हैं, उनका और लेबर का आदान प्रदान, रॉ मटेरियल का आदान प्रदान आवश्यक है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी इन वर्ल्ड सिस्टम के अंदर शामिल जो यूनिट्स हैं, नेशन स्टेट्स हैं, उनके इनहेबिटेंट्स, उनके नागरिकों का जीवन चल सके. आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे कि आपने नेशनल मूवमेंट पढ़ा और नेशनल मूवमेंट में आपने क्या देखा कि एक जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ तो उसका उद्देश्य क्या था? यहां आकर व्यापार करना. और उसने क्या किया? यहां से रॉ मटेरियल बाहर ले जाने का काम किया, यानी भारत से कच्चा माल, रॉ मटेरियल अपने देश ले जाना और वहां से फिनिश्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को लेकर आना. यूरोप में इस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मशीनें लग रही थी, फैक्ट्री लग रही थी, फैक्ट्रीज में सामान बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी, रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, और जब सामान बन गया तो उसके लिए मार्केट की ज़रूरत थी. अब यूरोप के इन देशों ने, जिसमें पुर्तगाल भी था, जिसमें हॉलैंड भी था, जिसमें ब्रिटेन भी था, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत में केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं आई थी, बल्कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सभी आए थे. तो जो यूरोप के देश थे जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण हो रहा था, उन्हें रॉ मटेरियल और मार्केट की जरूरत थी, और उन्होंने क्या करना शुरू किया? दे स्टार्टेड वेंचरिंग आउट एंड दे ट्राइड टू फाइंड पेरिफेरल स्टेट्स, जिनको हम सैटेलाइट स्टेट्स भी कहते हैं, जिनको एक दूसरे शब्द यानी हम कॉलोनीज भी कहते हैं. उन्होंने अपने लिए कुछ ऐसे देश तलाशे जहां से उन्हें रॉ मटेरियल भी मिले और उन्हें मार्केट भी मिल सके. इसी जो बात को दादाभाई नौरोजी ने एक सिद्धांत का नाम दिया था, उन्होंने कहा था इसको ड्रेन थ्योरी, यानी देश से, भारत से सामान ले जाना, ड्रेन करना, और व्यक्तियों का और सामानों का, दोनों का। ब्रेन ड्रेन भी एक नाम आया कि हमारी जो प्रतिभाएं हैं, पीछे कुछ समय तक ब्रेन ड्रेन पर बड़ा डिस्कशन होता था कि हमारे यहाँ जो प्रतिभाएं हैं वो यहाँ से चली जाती हैं विदेश, और वहां जाकर अपने दिमाग की, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके उन्हें फायदा देती हैं, अपने देश को नहीं। तो ड्रेन थ्योरी जो दादाभाई नौरोजी ने दी थी, उसमें भी हम पाते हैं कि जो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से जा रहा था और सामान बन के आ रहा था, वी वर ओनली मार्केट। हम क्या थे, एक मार्केट की तरह से थे। और आप ये समझिए कि ये सामान इतना सस्ता होता था कि जो इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते थे उनके मुकाबले बाहर से आया सामान सस्ते दाम में बिकता था। परिणाम क्या था कि लोग अपने देश में बनी चीजें लेने की जगह बाहर से आई हुई चीजों को लेते थे, जिससे हमारे जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें और नुकसान। हमारे यहाँ उस समय कपड़ा उद्योग था, हमारे यहाँ उस समय जूट का सामान बनता था, और अंग्रेजों ने क्या किया, कपास यहाँ से ले जाते थे, जूट यहाँ से ले जाते थे। और इसका नतीजा क्या हुआ कि हम, यानी भारत, उनकी एक कॉलोनी बना, जिसको वॉलरस्टीन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन वॉज द कोर स्टेट और भारत क्या था, जो पेरिफेरल स्टेट था। और यहाँ से सामान बाहर जा गया, और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो हमारी इंडस्ट्रीज बनी हुई थी वो भी नष्ट हो गई। एक जमाने में ढाका का मलमल प्रसिद्ध था, एक अंगूठी इसके अंदर से मलमल निकल जाता था, इतना मुलायम कपड़ा बनता था। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ कि हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, जो कारीगर थे वो बेरोजगार होते गए, खेतों में नील की खेती, जिसने हमारे खेतों को खराब कर दिया। परिणाम कि भारत पूरी तरीके से ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया। वॉलरस्टीन ने जो सिद्धांत दिया था वो देखिए 1970 के बाद दिया था, लेकिन उनका जो स्टडी का पीरियड था वो 1600 के बाद से था। 1600 के बाद से इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय शुरू हुआ था, इसलिए उन्होंने 1600 के बाद से मॉडर्न टाइम को मानते हुए और अपना वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को उन्होंने प्रतिपादित किया, या कहे वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच को उन्होंने लिया कि इसके माध्यम से हम जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको पढ़ सकते हैं। तो जहां रियलिस्ट मानते हैं कि एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड पावर, तो वहीं वॉलरस्टीन, हु वाज अ सोशियोलॉजिस्ट, ही वाज नॉट अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो तो एक समाज वैज्ञानिक थे, समाज शास्त्री थे। उन्होंने मार्क्स से कुछ विचारों को लिया, मार्क्स का जो सिद्धांत था शोषण का उसको लिया, हिस्टोरिकल जो इंटरप्रिटेशन था उनका उसको उन्होंने लिया, जो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की बात वो कहते हैं उसको लिया उन्होंने, और उसके माध्यम से उन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी अप्रोच को लेकर 1600 के बाद के विश्व को पढ़ने का कार्य किया। यही बात अगर आप कौटिल्य के संदर्भ में देखें तो कौटिल्य ने भी इसी प्रकार से अपने राज्यों को कुछ श्रेणियों में बांटा है। उनको वो कोर और पेरिफेरल का नाम नहीं देता है, लेकिन वो एक ऐसे मंडल की एक कल्पना करता है जहां पर जो विजिगीषु या जो कॉन्करर स्टेट है वो बीच में है, और उसके इर्द गिर्द उसके मित्र, शत्रु इत्यादि मौजूद हैं। तो कौटिल्य के द्वारा जो मंडल सिद्धांत दिया गया उसी का एक सोशियोलॉजिकल इकोनॉमिक स्वरूप हम वॉलरस्टीन के अध्ययन में देख सकते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ें तो जरूर हम कुछ इसमें प्राप्त कर सकते हैं। And I would suggest that you can, of course, do that. कौटिल्य भी पढ़े, उसका जो मंडल सिद्धांत है उसको आप पढ़ें, और उसके साथ साथ जो वर्ड सिस्टम थ्योरी में एक प्रकार का मंडल ही दिया है, जहां पर कोर स्टेट्स है, पेरिफेरल स्टेट्स है, सेमी पेरिफेरल स्टेट्स है और एक्सटर्नल स्टेट्स है, जिनको कौटिल्य ने भी न्यूट्रल स्टेट्स का नाम दिया है। उसने एक मध्यम राज्य और एक तटस्थ राज्य की कल्पना भी प्रस्तुत की है, जो कि मंडल का अभिन्न हिस्सा होते हैं। तो खैर, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें हमने देखा कि कैसे जो कोर स्टेट्स हैं वे अपने लिए पेरिफेरल स्टेट्स को तैयार करते हैं, और इन दोनों के बीच में लगातार कुछ एक्सचेंज होता है। किसका होता है? पेरिफेरल स्टेट से रॉ मटेरियल, लेबर जो वहां पर सस्ता मिलता है उसको लेकर आना, और जो फिनिश्ड गुड है जिसकी जरूरत सभी देशों को है उसको पेरिफेरल स्टेट में बेचना। यानी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप नहीं होने देना। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होगा तो पेरिफेरल स्टेट विल नो लॉन्गर रिमेन अ पेरिफेरल स्टेट। पेरिफेरल तो मतलब ही हो गया जो परिधि के बाहर खड़ा हुआ है, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो किनारे है, तो वो तो फिर कोर स्टेट में परिवर्तित हो जाएगा। तो पीछे क्लास में भी हम लोगों ने बात की थी कि 1945 तक यूरोप वॉज दी सेंटर ऑफ पावर, सेंटर ऑफ एक्टिविटी। तो यही बात हम देखते हैं कि 1600 के बाद लगभग 3 जो शताब्दियां थी उसमें यूरोप वर्ल्ड सिस्टम के अंदर प्रमुख था। यूरोप के जो विभिन्न देश थे उनकी कॉलोनीज जगह जगह पर थी, यहाँ तक कि अमेरिका भी ब्रिटेन के अधीन हुआ करता था। लेकिन ग्रेजुअली थिंग्स चेंज्ड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने वर्ल्ड सिस्टम को भी बदल दिया, और कोर, पेरिफेरल और सेमी पेरिफेरल की डेफिनेशन बदल दी। जैसे हम लोगों ने रियलिज्म में पढ़ा था कि स्टेट्स की जो पावर है वो लगातार बदलती रहती है, और राज्यों का जो उत्थान और पतन है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में भी देखते हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो यूरोपियन वर्ल्ड सिस्टम था उसका डिक्लाइन हुआ, और उसके बाद हम क्या पाते हैं 1945 के बाद? वी सी द राइज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम या अमेरिकन वर्ल्ड सिस्टम। यानी अब अमेरिका ने अक्वायर कर लिया द पोजीशन ऑफ अ कोर स्टेट, और ब्रिटेन वगैरह सेमी पेरिफेरल कैटेगरी में चले गए। सेमी पेरिफेरल का मतलब जो देश पूरी तरीके से कोर भी नहीं है और जो पूरी तरीके से पेरिफेरल की श्रेणी में भी नहीं आते, जो कभी कोर थे और अब नहीं है वे आते हैं, या जो कोर बनने की कोशिश में है। जैसे रूस को हम सेमी पेरिफेरल में पहले रख सकते थे, जो बाद में कोर बन गया, और 1945 के बाद यूएसए और यूएसएसआर दे बिकेम द कोर स्टेट्स इन वर्ल्ड सिस्टम एंड दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, द इंटरनेशनल रिलेशन। कोल्ड वॉर जो दोनों देशों के बीच में चला, इनफैक्ट इट वॉज अ वे टू कंट्रोल देयर ओन अलाइज। जो कंट्रीज यूएसए के मित्र थी, अलाइज थी, उसने कोल्ड वॉर के जरिए से उनको कंट्रोल किया कि तुमको हमारे साथ रहना है, हमारी पेरिफेरी में रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। इसी तरीके से यूएसएसआर ने जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी जो उसकी अलाइज थी उनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए कोल्ड वॉर का प्रयोग किया। कोल्ड वॉर एक जो वॉलरस्टीन कहते हैं कि कोल्ड वॉर वॉज नॉट अ वे फॉर दीज टू ब्लॉक्स टू फाइट ईच अदर, इनफैक्ट इट वॉज अ वे थ्रू विच दे ट्राई टू कंट्रोल देयर अलाइज। इन्होंने अपने अपने अलाइज को कंट्रोल करने के लिए कि आप हमारी बात को माने इसके लिए उन्होंने कोल्ड वॉर को शुरू किया था और लगभग 45 वर्षों तक ये चलता रहा। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच? यस मैम।